What's up everyone, and आप सभी को नमस्ते। If you're planning and if you're planning to moving to Alberta province, doesn't matter आप किसी और प्रोविंस से मूव हो रहे हो, Ontario, British Columbia, Quebec province से, just for the PR के regarding या just for the job के regarding या किसी और purpose के regarding, या अगर आप Alberta province आ रहे हो as an international student, या अगर आप LMIA पे आ रहे हो, means आप tourist visa पे आ रहे हो, visitor visa पे आ रहे हो, उसे convert करना चाहते हो work permit पे through LMIA, तो this video is for you। And if you are planning to moving to Alberta, मैं इस वीडियो में सिर्फ Alberta के रिगार्डिंग ही बात करूँगा, और जो भी करंट सिचुएशन चल रही है, जो आगे एक साल तक, डेढ़ दो साल तक रहेगी, यू विल अंडरस्टैंड बाई योर सेल्फ कि आपको Alberta में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, आपको Alberta में जॉब्स मिलेगी या नहीं मिलेगी। डजेंट मैटर किसी भी इंडस्ट्री से बिलोंग करते हो, और आपका मेन मकसद है टू गेट अ PR as soon as possible, कि आपको वहाँ पर PR मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो सीधी सी बात आता हूँ, देखो Alberta में मेरे हिसाब से अगर आप मुझसे पूछो कि इज इट रियली वर्थ मूविंग टू Alberta और नॉट, मैं आपको सीधा कहूँगा नहीं है। ओनली एंड अनलेस इफ़ यू आर हाईली स्किल्ड, अगर आप डॉक्टर, इंजीनियर, सिविल इंजीनियर, कंस्ट्रक्शन, फार्मेसी में, अकाउंटेंसी में, लॉयर हो, साइंटिस्ट हो, या ऑयल एंड नेचुरल गैस इंडस्ट्री में वर्क करते हो, या उस प्रोफाइल से हो, तब ही आप Alberta मूव हो जाओ। अगर आप कोई वॉलमार्ट में, कॉस्को में, या कोई मैनेजमेंट फील्ड से हो, या अगर आप टूरिज्म फील्ड से हो, तो चांसेस बहुत कम है। लेकिन आप टूरिज्म फील्ड से हो तो अब चांसेस खुल गए, लेकिन इसके अलावा किसी और फील्ड से हो और किसी और प्रोफाइल से हो, तो आपके पास चांसेस इन टर्म्स ऑफ जॉब, इन टर्म्स ऑफ PR, इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट। देखो, पहला रीज़न है कि Alberta में इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं है, जॉब्स नहीं है। दूसरा रीज़न है कि वहाँ पे PR मिलना बहुत मुश्किल है, बिकॉज नंबर ऑफ इमिग्रेंट्स बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, हर साल 3 से 4 लाख इमिग्रेंट्स बढ़ते जा रहे हैं। द रीज़न इज डैट कि वहाँ पे उनको लगता है, मीन्स आपको लगता है कि Alberta में PR मिलना बहुत ईजी है, और अभी के मुकाबले इजी नहीं है, अपॉर्चुनिटी जॉब्स इजी नहीं है, बिकॉज नंबर ऑफ इमिग्रेंट्स बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। दूसरी चीज़, वहाँ पे आपको आराम से जॉब नहीं मिल पाएगी, सिन पे तो भूल जाओ, कैश में मिल जाए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मेरे कई ऐसे दोस्त हैं जो Alberta में हैं, जो कैलगरी साइड या रेड डियर में है या एडमिंटन साइड है, उनके पास 6 महीने से 8 महीने से जॉब नहीं है, और उनके पास जॉब है भी तो कैश पे कर रहे हैं, सिन पे कोई भी नहीं कर रहा। दिस इज़ द रियलिटी, अपॉर्चुनिटी नहीं है, जॉब्स नहीं है, पैसे कमा नहीं पाओगे, अपने एक्सपेंस निकाल नहीं पाओगे, और आपका जो मेन मोटिव है PR, वो भी बहुत मुश्किल है। और मैं से बहुत लोगों को जानता हूँ जो डिफरेंट प्रोविंस से Alberta मूव हुए हैं, उनके पास सिर्फ जस्ट बिकॉज ऑफ जॉब, क्योंकि वहाँ पे PR मिल जाएगा, वो भी बहुत मुश्किल हो गया है। एंड हर एक प्रोविंस का एक PNP प्रोग्राम होता है, डेट मीन्स प्रोविंशियल नॉमिनेशन प्रोग्राम होता है। Alberta में है Alberta एडवांटेज इमिग्रेशन नॉमिनेशन प्रोग्राम। अब उसके अंदर 7 स्ट्रीम्स आती है, और उस 7 स्ट्रीम्स में एक स्ट्रीम को बंद कर दिया गया है, जो 15 फरवरी 2024 को बंद किया है, Alberta अपॉर्चुनिटी स्ट्रीम को बंद कर दिया गया है। और ये परमानेंट नहीं है, ये जो पॉज इस पर लगा हुआ है, ये सिर्फ टेम्परेरी है, मान लो कि 5-6 महीने के लिए लगा हुआ है। इसका रीज़न ये है कि जो ऑलरेडी फाइल्स सबमिटेड है IRCC के अंदर, वो चाहते हैं कि जो ब्लॉकेज है उनको पहले क्लियर किया जाए, उसके बाद किसी और फाइल को सबमिट किया जाए, मींस उस पर वर्क किया जाए। सो आई विल टेल यू वेरी फ्रेंकली, गेटिंग ए जॉब इन Alberta, इट वुड बी वेरी हार्ड। डजंट मैटर आप किसी टाउन में रहते हो, ग्रैंड प्रेरे में हो, व्हाइट कोट में हो, रेड डियर में हो, लेटविल सिटी में हो, कैलगरी में हो, एडमिंटन में हो, इट वुड बी वेरी हार्ड। यस, ये बहुत अच्छी चीज़ है कि वहाँ पे बेनिफिट्स बहुत सारे हैं, टैक्स नहीं लगता, चीज़ें बहुत सस्ती है, रेंट थोड़ा सस्ता है एज कम्पेयर टू Ontario, British Columbia, Quebec, बट वो भी इंक्रीज होता जा रहा है बिकॉज द नंबर ऑफ इमिग्रेंट्स बढ़ते जा रहे हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन बहुत अच्छा है, लेकिन देखो उसका बेनिफिट तब है जब आपके पास जॉब होगी, जब आपके पास पैसे कमाने के लिए होगी, जब आप पैसे कमा पाओगे, अदरवाइज कोई बेनिफिट नहीं है। जब आपकी जेब में पैसा ही नहीं है, तो फिर अपने एक्सपेंस कैसे निकालोगे? सो बात घुमा फिरा के आती है जॉब पे और एक्सपेंस पे, मींस इनकम पे। Of getting a job there, it would be very hard. So I would suggest you choose or think twice. Choose that province जहाँ पे आपको PR मिलना easy है। Alberta को थोड़ा avoid करो, मैं आपको ये कम से कम 4-5 महीने से बोल रहा हूँ। Choose province like Nova Scotia, Saskatchewan और Manitoba। यहाँ पे PR मिलना easy है, और यहाँ पे opportunity मिलना भी easy है, लेकिन इतना easy भी नहीं है। स्पेशली Nova Scotia में तो जॉब बेची जाती है, दैट्स अ रियलिटी। Manitoba में, Saskatchewan को अपॉर्चुनिटी मिल सकती है अगर आपके रेफरेंस कॉन्टैक्ट हो, अदरवाइज इट वुड बी वेरी हार्ड टू गेट अ जॉब देयर ऑल्सो। ओनली एंड ओनली डजेंट मैटर कनाडा में कहीं भी हो, इफ़ यू हैव रेफरेंस, इफ़ यू हैव कॉन्टैक्ट, तभी पॉसिबिलिटी है, अदरवाइज कोई बेनिफिट नहीं है। यहाँ से वहाँ धक्के खाते रह जाओगे, ना जॉब मिलेगी, ना PR मिल पाएगा। और आई वुड सजेस्ट यू, इफ़ यू कमिंग टू Alberta प्रोविंस या कमिंग टू कनाडा, लर्न स्किल एज मच एज यू कैन, एंड फ्रेंच लैंग्वेज को जरूर सीखना, इट विल हेल्प यू अ लॉट, बिकॉज फ्रेंच बेस्ड भी ड्रॉ निकल रहे हैं, एंड इट विल हेल्प यू अ लॉट इन टर्म्स ऑफ गेटिंग अ PR। डजेंट मैटर आप किसी भी प्रोविंस में हो, एंड इट विल ऑल्सो हेल्प इन टर्म्स ऑफ पार्ट टाइम एंड फुल टाइम जॉब ऑल्सो। सो देर घुमा फिरा के सीधी सी बात है, मेरे हिसाब से Alberta मत आओ, मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग Alberta मत आओ। अगर आप LMIA पे भी आ रहे हो, स्टडी वीज़ा पे भी आ रहे हो, मेरे हिसाब से मत आओ, क्योंकि बेनिफिट नहीं है। Ontario, British Columbia, Quebec को तो वैसे ही भूल जाओ, Alberta को भी भूल जाओ। द रीज़न इज डैट, समझा दिया आपको मैंने, इमिग्रेशन ज़्यादा हो रहा है वहाँ पे,
और अपॉर्चुनिटी जॉब्स नहीं है, और जो स्ट्रीम्स है वो उन पर पॉज लग रहा है, सब पे नहीं, एक पे लगा है, बाकी का पता है नहीं। अगर आप हाईली स्किल्ड हो तभी आओ, अदरवाइज कोई बेनिफिट नहीं है। अगर मैं कोई एक चीज़ कहना चाहूँगा, वैसे वीडियो बनाने का मेरा कोई मकसद नहीं था, बट मैंने कहा कि बताना बहुत ज़रूरी है और ये बताना भी बहुत ज़रूरी है। देखो कनाडा में ना अभी अगर आप अपनी होम कंट्रीज देख रहे हो और प्लानिंग कर रहे हो तो मेरे हिसाब से कनाडा मत आओ। आप तभी आओ अगर आप हाईली स्किल्ड हो, तभी आपके पास अपॉर्चुनिटी है, आपको जॉब मिल पाएगी, आप जॉब क्रिएट कर पाओगे और तभी पॉसिबिलिटी है कि आपको पीआर मिल पाएगा। अगर आप सोचो कि मैं ट्वेल्थ के बाद आ रहा हूँ, ग्रेजुएशन के बाद आ रहा हूँ और मैंने कोई मैनेजमेंट कोर्स किया हुआ, मेरे पास कोई स्किल्स नहीं है, मेरे पास कोई लाइसेंस नहीं है, मेरे को सर्टिफिकेट नहीं है, मैं यहाँ पे लाइसेंस सर्टिफिकेट नहीं ले सकता, तो मेरे हिसाब से जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी। 25-30 लाख फूकोगे, यहाँ पे हार्डवर्क करोगे, अपने आप को घसीटोगे, ना नौकरी मिल पाएगी, ना अपने एक्सपेंस निकाल पाओगे, बहुत मुश्किल है। और एक आखिरी में मैं कहना चाहूँगा, डजेंट मैटर कनाडा में कहीं भी पढ़ते हो, नेवर टेक एडमिशन इन एनी प्राइवेट कॉलेज एंड नेवर बिलीव इन एनी काइंड ऑफ इमिग्रेशन कंसल्टेंट एजेंट ब्लाइंडली। अपना दिमाग लगाओ, रिसर्च करो, चेक करो कहाँ बेनिफिट हो रहा है। कोई PPP मीन्स पब्लिक प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का कोई मकसद नहीं है, कोई प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन मत लो। अगर ले भी रहे हो तो ये जरूर चेक करो कि आपको वर्क परमिट मिलेगा या नहीं मिलेगा। कॉलेज यूनिवर्सिटी को मेल करो, उनके एडमिनिस्ट्रेशन के पास उनको मेल करो, उनको कॉल करो, उनसे पूछो कि मैं इस कोर्स में अगर ऑप्ट करता हूँ, एनरोल करता हूँ, तो मुझे वर्क परमिट मिलेगा या नहीं मिलेगा। डोंट फॉल इन द ट्रैप ऑफ इमिग्रेशन कंसल्टेंट एंड एजेंट। अपने पैसे मत फूको, दिमाग मत खराब करो। कनाडा में इतनी जॉब्स नहीं है जो कनाडा को बाहर से लगता है इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब से, बहुत डिफरेंट है रियलिटी में। आओगे, एक्सपीरियंस करो, आओ, समझ जाओगे। बहुत लंबा टाइम की जरूरत नहीं है, 15-20 दिन के अंदर ही आप समझ जाओगे कि क्या रियलिटी है। जो मैं बोल रहा हूँ ये सच्चाई है। बाकी आना है, आओ, डिसीजन इज योर्स। इफ़ यू हैव स्किल्स, इफ़ यू आर हैविंग सम काइंड ऑफ लाइक टैलेंट एंड इफ यू कैन क्रिएट एन अपॉर्चुनिटी फॉर योर सेल्फ, तभी आओ, अदरवाइज कोई बेनिफिट नहीं है। इट्स बेटर है कि आप 25-30 लाख रुपए यहाँ पे मत फूको। अगर आपको किसी फॉरेन कंट्री में सेटल होना ही है तो मेरी एडवाइस मानो कि जर्मनी जाओ, सीरियसली जर्मनी जाओ। इवन ऑस्ट्रेलिया भी मत जाओ, यूके भी मत जाओ, जर्मनी जाओ। जर्मनी में अपॉर्चुनिटी भी है, जॉब्स भी है, अच्छी इनकम भी है, अच्छा बिजनेस भी है, और उनकी GDP और उनकी ग्रोथ भी अच्छी है, तो आपको काफ़ी बेनिफिशियल होगा और आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। बाकी चॉइस इज योर्स, एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग एनीथिंग जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड इफ यू नीड अ मिनी सेशन 1-on-1 यू कैन DM मी ऑन इंस्टाग्राम। तब तक क्लिक गुड बाय एंड हैव अ ग्रेट डे।